गाइस वेलकम बैक टू द दीवान चुपुंडा। और गाइस एक्चुअली अभी बजे हैं सुबह की 7 o'clock, तो मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ। टाइम में आप देख सकते हैं, ये वैसी वाली क्लॉक नहीं है जो सर्कल होती है, जो वर्टिकली चलती है, वो वाली नहीं है ये, तो वैसी है, नंबर दिखाते हैं। तो अभी हो रहा है 7:10, तो गाइस एक्चुअली मेरे को पहले फीवर हो चुका था, तो ठीक तो हो गया, लेकिन अभी 2.5% ऑफ फीवर इस अंदर है अभी। और गाइस अभी 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 मेरे को 8 o'clock मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। मेरा आज है US की, मैंने अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर ली है। मेरी दीदी को पता नहीं आज किसका होगा, स्पेनिश का होगा लगता है, और आप देखेंगे मैं कैसे तैयार हूँ। वो आप देख सकते हैं नीचे तक पैर भी, पैर में तो अभी कुछ पहना नहीं है वैसे, तो अभी मैं पहनूंगा, शूज़ पहनूंगा, क्योंकि गाइस अभी 7:10 हो रहा है, मेरे को 8 o'clock पर निकलना है, 8:30 को पहुंचना है कुछ, तो अभी तो 7 o'clock बजे हैं, तो अभी इतनी जल्दी नहीं पहनते। अभी तो आप देख सकते हैं मेरे कल रात पापा सोए थे। एक्चुअली ये बेड है और ये एक जमीन में हमने बिछा रखा, जैसे कोई भी एक्स्ट्रा हो तो सो सके। दीदी के रूम में गाइस वो एसी नहीं चलाती है, तो गर्मी लगती है, गर्मी लगता है गर्मी लगती है। तो फिर मैंने सोचा कि आज आपसे मैं पापा के रूम में सोऊंगा, क्योंकि एसी इधर पूरे दिन चलते रहता है, और मैं पूरे दिन नहीं पूरे रात चलते रहता है। और मैंने चादर ले तो फिर मैं अपना सारा सामान इधर ले आया, तो मैं दो दिन तक तो इधर ही सोया। तो पापा ने कल रात बोला था कि ये बेटा ऐसा कर, मैं आज इधर सो जाता तो बेड में आराम से सो जाता, तो मैं अभी बेड में सोया था। तो आपको दिखा देता हूँ क्या हो गया। ये दोनों मेरे तकिए थे, एक को तो मैंने इसकी तरह सर के ऊपर लगा रखा था, और एक को तो मैंने साइड में रखा था, जैसे मैं धड़ाम से गिरूँ ना उसके ऊपर लैंडू लॉल। तो अभी आपका इस बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, वैसे कैसे सुबह सुबह लाइट वाइट कुछ नहीं चलाते, अभी तो ठंडा ही मौसम हो रहा है, एसी भी चल रहा था, अभी बंद कर दिया, ठंडा ही मौसम हो रहा है। देखिएगा इस वॉट अ ब्यूटिफुल, कितना अच्छा हो रहा है। आप उधर देख सकते हैं मंदिर है वो, अरे भैया। तो यही था बस, और कुछ नहीं, मजा आया था, लाइक सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ, सी यू नेक्स्ट टाइम।